Hello friends, welcome back to the class. In our last lecture, we have discussed about the killing mechanism of the cytotoxic T lymphocytes. Okay? Cytotoxic T lymphocytes किस प्रकार virus infected cell है या फिर कोई abnormal body cell है तो उसको किस प्रकार kill करता है उसके बारे में हमने discuss किया था, ठीक है? So now here we are going to discuss about the second type of the cytotoxic cells, that is the natural killer cells. ठीक है, natural killer cells किस प्रकार से जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है एब्नॉर्मल बॉडी सेल है तो उसको किस प्रकार से किल करता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? और नेचुरल किलर सेल इज अ पार्ट ऑफ द इनेट इम्यूनिटी एंड द साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट वो एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है, ठीक है? सो नेचुरल किलर सेल्स आर वन टाइप ऑफ द लिम्फोसाइट सेट वर्क्स जस्ट लाइक द टी साइटोटॉक्सिक सेल, उसकी तरह ही फंक्शन करता है. जो भी वायरस इन्फेक्टेड सेल है और नॉर्मल बॉडी सेल है तो उसके किल करने में इसका फंक्शन है, ठीक है? सो नाउ इट इनिशिएट्स द एपोप्टोसिस पाथवे इन टारगेट सेल्स यूजिंग द वेरी सिमिलर मैकेनिज्म, ठीक है? वेरी सिमिलर मैकेनिज्म एज द साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट. इसकी जो किलिंग मैकेनिज्म है वो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स की जैसे ही है, ठीक है? उसके सिमिलरली मैकेनिज्म इसमें भी यूज होती है बाय एक्टिवेटिंग द एपोप्टोटिक पाथवे, ओके? बट वेरी डिफरेंट रिसेप्टर. ये बात याद रखना, मैकेनिज्म इज द सिमिलर फॉर किलिंग ऑफ द वायरस इन्फेक्टेड सेल और एब्नॉर्मल बॉडी सेल, बट हियर द डिफरेंस इज इन द रिसेप्टर्स, ओके? हमारा जो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट है उस पर कौन कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं? टी सेल रिसेप्टर, ठीक है? तो यहाँ पर टी सेल रिसेप्टर की तरह रिसेप्टर एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होंगे नेचुरल किलर सेल्स के मेंब्रेन पर, ठीक है? सो हियर द वेरी मच डिफरेंसेस इन द रिसेप्टर्स दैट रिकॉग्नाइज द वायरस इन्फेक्टेड सेल, ओके? नाउ नेचुरल किलर सेल्स वेर डिस्कवर्ड बाय द एक्सीडेंट वेर इम्यूनोलॉजिस्ट वेर मेजरिंग द साइटोलाइटिक एबिलिटी ऑफ ट्यूमर स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स टेकन फ्रॉम द माइस विद ट्यूमर. अभी इसकी डिस्कवरी किस प्रकार हुई है कि नेचुरल किलर सेल्स टाइप के भी लिम्फोसाइट्स है, तो वो डिस्कवरी कैसी हुई? एक्सीडेंटल, ठीक है? यहाँ पर कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं किए गए थे कि नेचुरल किलर सेल्स को हमें आइडेंटिफाई करना है, बट ये इम्यूनोलॉजिस्ट है वो दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें से उन्हें नेचुरल किलर सेल्स मिले, ठीक है? सो इम्यूनोलॉजिस्ट क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? दे वेर मेजरिंग द साइटोलाइटिक एबिलिटी ऑफ ह्यूमन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स, ठीक है? हमने जो टी सी सेल के बारे में देखा था कि वो ट्यूमर सेल को किल करता है, ठीक है? तो ये लोग क्या कर रहे थे कि साइटोटॉक्सिक जो लिम्फोसाइट है हमारे टी सी सेल्स वो किस प्रकार से ट्यूमर सेल को किल करते हैं, ठीक है? उसकी एबिलिटी क्या है साइटोलाइटिक करने की, सेल को किल करने की एबिलिटी उसकी क्या है, उस पर ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है? एंड द ट्यूमर स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स वर टेकन फ्रॉम द माइस विद द ट्यूमर. एक माइस के अंदर ट्यूमर था, उस माइस में से ये लिम्फोसाइट्स लिए गए थे, ठीक है? टी सी सेल्स जो कि ट्यूमर के अगेंस्ट के थे, ओके? सो दे वर यूज्ड यूजिंग द नेगेटिव कंट्रोल्स ऑफ द
नहीं होगा। ओके सो 3 माइस वेयर टेकन, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा था, ठीक है। सो इस माइस में से क्या लिया गया, ट्यूमर सेल्स। ट्यूमर सेल्स किस माइस के लिए गए थे, इसके इसके ट्यूमर सेल्स को किल करने की एबिलिटी क्या है हमारे लिम्फोसाइट्स की, उस पर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, ठीक है। सो ट्यूमर सेल्स वेयर टेकन फॉर दी फ्रॉम दी माइस विथ ट्यूमर, यहां से ही ट्यूमर सेल लिया गया, ठीक है। नाउ लिम्फोसाइट्स वेयर टेकन फ्रॉम दिस थ्री थ्री टाइप ऑफ दी माइस, इन तीनों में से ही लिम्फोसाइट्स एंड ह्यूमन सेल्स लिए गए, ठीक है। सो इसमें से लिम्फोसाइट लिया गया, लिम्फोसाइट्स दिस लिम्फोसाइट्स वेयर ट्यूमर स्पेसिफिक होगी, इस ट्यूमर का जो लिम्फोसाइट इसमें प्रेजेंट होगी, ठीक है। देन यहाँ पर जो ट्यूमर सेल है वो सही लिया गया, ट्यूमर सेल, और इसमें भी सेम ट्यूमर सेल लिया गया, ठीक है। फर्स्ट मैच में से सारे के सारे तीनों एक्सपेरिमेंट में ट्यूमर सेल्स लिए हुए थे, लिम्फोसाइट्स वर टेकन फ्रॉम दी रिस्पेक्टिव। ओके यहाँ पर से क्या लिया गया, लिम्फोसाइट्स, यहाँ पर भी लिम्फोसाइट्स। ओके नाउ ट्यूमर सेल फर्स्ट माइस का है, लिम्फोसाइट तीनों का अपने अपने है, ठीक है। यहाँ पर अभी हमें नेगेटिव कंट्रोल का मीनिंग क्या है कि उसमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ट्यूमर सेल का किलिंग हुआ, ठीक है, किलिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि ये ट्यूमर सेल इसका है और इसके स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स भी उसके ब्लड में प्रेजेंट हो गए। सो इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है तो वो ट्यूमर सेल्स का किलिंग होता है, ठीक है, क्योंकि टीसी सेल्स इसमें प्रेजेंट हो गए और इसका किलिंग कर देंगे। देन दिस बोथ नेगेटिव कंट्रोल्स विल आल्सो शो द पॉजिटिव रिजल्ट, इन दोनों में भी ट्यूमर सेल का किलिंग देखने को मिला, ठीक है। सो द कंट्रोल्स विल शो द सिग्निफिकेंट लाइसिस ऑफ द ट्यूमर सेल, और एक दो सेल का नहीं सिग्निफिकेंट लाइसिस इसमें भी देखने को मिला कि नहीं ये भी ट्यूमर सेल को किल कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो भी ट्यूमर सेल है उसके अगेंस्ट के लिम्फोसाइट उसके अगेंस्ट के इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेटेड नहीं था, इनके पास जो लिम्फोसाइट प्रेजेंट थे वो इस ट्यूमर सेल के अगेंस्ट के नहीं थे, ठीक है। और इन सब में क्या देखने को मिला, एक्टिवेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स एंड ट्यूमर सेल को वो सब किल करने की एबिलिटी इन सब के पास थी। ओके फर्दर स्टडी ऑफ दिस नॉन स्पेसिफिक ट्यूमर सेल किलिंग विल शो दैट द पॉपुलेशन ऑफ लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अभी यहाँ पर जो भी रिजल्ट मिला उस पर फर्दर स्टडीज की गई, ठीक है, उसके बेसिस पर क्या पता चला कि यहाँ पर जो इम्यून रिएक्शन हो रही थी वो कैसी थी, नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। यहाँ पर कोई मेमोरी नहीं थी इस लिम्फोसाइट के पास, पर ये नॉन स्पेसिफिक थी इसलिए कौन सा एंटीजन है वो उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक का मीनिंग क्या है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी व्हिच टाइप ऑफ द एंटीजन। ओके सो यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक ट्यूमर सेल किलिंग देखने को मिला है दोनों ही टाइप में। ओके एंड इट वॉज, अभी ये किसके थ्रू था, ये कोई टी लिम्फोसाइट के थ्रू नहीं था ये किलिंग, ठीक है, और बी लिम्फोसाइट के थ्रू भी नहीं था। द पॉपुलेशन वॉज लार्ज, पॉपुलेशन ऑफ लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। क्या पता चला कि ये को लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट्स की पूरी पॉपुलेशन है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, और उसको बाद में क्या नाम दिया गया, नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। नेचुरल किलर इसका मीनिंग क्या है, ये जो नॉन स्पेसिफिक एबिलिटी है इसकी उसके बेसिस पर इसका नाम दिया गया है नेचुरल किलर सेल्स। ओके सो दे आर कॉल्ड एज द नेचुरल किलर सेल्स फॉर देयर नॉन स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिसिटी। ओके सो द
पार्टिकल जो भी एंटर हुआ है तो इसको मैक्रोफेज क्या करेगा, उसको इंगल्फ करके उसका डिग्रेडेशन कर देगा, ठीक है। सो फेगोसाइटिक फंक्शन जो मैक्रोफेज का है उसको एनहांस करेगा इंटरफेरॉन गामा एंड माइक्रोटिसिडल, यानी कि कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म बॉडी में आया है तो उसको किल करने का जो भी एबिलिटी है मैक्रोफेज में उसे क्या कहते हैं, माइक्रोटिसिडल एक्टिविटी, ठीक है। सो माइक्रोटिसिडल एक्टिविटी को भी एनहांस करेगा इंटरफेरॉन गामा। ओके, सो ओवरऑल इट विल एनहांस द एक्टिविटी ऑफ द मैक्रोफेज। ओके, नाउ इट आल्सो इन्फ्लुएंस द डिफरेंशिएशन ऑफ द टी हेल्पर सेल। अभी ये टी हेल्पर सेल को भी अफेक्ट करेगा इंटरफेरॉन गामा, ये टी हेल्पर सेल को किस प्रकार अफेक्ट करेगा, इनहिबिशन ऑफ द टीएच2 प्रोलिफरेशन, ठीक है। टीएच2 टाइप के जो हेल्पर सेल है उसका क्या करेगा, इनहिबिशन, ठीक है, उसका प्रोलिफरेशन को इनहिबिट कर देगा और इट स्टिम्यूलेट द टीएच2 टाइप ऑफ द टी हेल्पर सेल। ओके, सॉरी टीएच1 यहां पर आएगा, ठीक है। सो टीएच1 का स्टिम्यूलेशन करेगा और टीएच2 का इनहिबिशन करेगा, ठीक है। सो इट आल्सो इन्फ्लुएंस द डिफरेंशिएशन ऑफ द टी हेल्पर सेल, एंड इसका स्टिम्यूलेशन किसके थ्रू करता है, डेवलपमेंट बाय इंडक्शन ऑफ द इंटरल्यूकिन 12 बाय मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स, ठीक है। यह क्या करेगा, इंटरफेरॉन गामा इट विल अफेक्ट द मैक्रोफेज एंड डेंड्राइटिक सेल, उन दोनों में से जो इंटरल्यूकिन 12 का सीक्रेशन है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, और इंटरल्यूकिन 12 की वजह से टीएच1 का प्रोलिफरेशन है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। नाउ नेचर किलर सेल्स एक्टिविटी, सॉरी नेचर एनके सेल एक्टिविटी स्टिम्युलेटेड बाय द इंटरफेरॉन गामा, इंटरफेरॉन सॉरी इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन बीटा एंड इंटरल्यूकिन 12। ओके, दिस थ्री आर द साइटोकाइंस व्हिच रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ नेचुरल किलर सेल, ठीक है। ये इंटरफेरॉन गामा है वो नेचुरल किलर सेल के द्वारा सीक्रेट होता है, ठीक है, और दूसरे साइटोकाइंस जो नेचुरल किलर सेल को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से है, इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन बीटा एंड इंटरल्यूकिन 12। ओके, सो दिस थ्री आर द साइटोकाइंस विल अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द नेचुरल किलर सेल्स। नाउ नेचुरल किलर सेल्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस अगेंस्ट द वायरस इन्फेक्शन। ओके, हमारे बॉडी में अगर कभी भी वायरस एंटर हुआ है तो उसके अगेंस्ट में क्या है, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस। ओके, इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, सो इनेट इम्यूनिटी का कंपोनेंट ही सबसे पहले एक्ट करते हैं, कोई भी इन्फेक्शन हो या फिर कोई भी पैथोजन बॉडी में एंटर किया है तो इनेट इम्यूनिटी का कंपोनेंट सबसे पहले एक्टिव होते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस अगेंस्ट द वायरस इन्फेक्शन, कंट्रोलिंग द वायरस रेप्लिकेशन ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट प्रीकर्सर टू द फंक्शनल साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स। ओके, यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट प्रीकर्सर यानी कि ये जो टीसी सेल है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, इसने अभी तक एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, ऐसे साइटोटॉक्सिक टी सेल है उसे क्या कहते हैं, प्रीकर्सर सेल्स। ओके, सो प्रीकर्सर सेल में से फंक्शनल साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स, ओके, फंक्शनल साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट यानी कि एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके एक्टिव हो चुका है और वो अब वायरस इन्फेक्टेड सेल को किल करने के लिए रेडी है। सो यहाँ पर प्रीकर्सर में से फंक्शनल में कन्वर्ट होने के लिए जो भी समय लगता है वो कितना है, अबाउट 7 डेज, ठीक है, 7 दिनों तक का समय लगता है प्रीकर्सर में से फंक्शनल सेल में साइटोटॉक्सिक सेल को कन्वर्ट होने में, ठीक है, टीसी सेल को कन्वर्ट होने में। सो हियर द नेचुरल किलर सेल यहाँ पर जो है हमारा वो क्या करेगा, जब तक ये टीसी सेल एक्टिवेट नहीं हुआ है तब तक वायरस के प्रोलिफरेशन को स्टॉप करने का काम कौन करेगा, नेचुरल किलर सेल, ठीक है। यहाँ पर इसके द्वारा एंटीजन को रिकॉग
एक्टिवेट हो गया तो वायरस को स्प्रेड होने से रोकेगा जब तक टीसी सेल का लेवल है वो पीक पर नहीं पहुंच जाता। ठीक है, सो ये जो रेड लाइन है वो वायरस टाइटर की है। इसका मीनिंग क्या है, वायरस का वायरस कितने अमाउंट में प्रेजेंट है ड्यूरिंग दी एक्सपेरिमेंट। ओके, सो जैसे ही टीसी सेल है वो पीक पर पहुंचेंगे तो वायरस टाइटर का अमाउंट रेपिडली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो उसको रिमूवल उसका स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो समझ में आया। नेचुरल किलर सेल है वो क्या करते हैं, किल दी वायरस इन्फेक्टेड सेल और वायरस को स्प्रेड होने से रोकेगा जब तक साइटोटॉक्सिक टी सेल का लेवल पीक पर नहीं पहुंच जाता। ओके, नाउ निचेरिया पिगासी सिंड्रोम इट इज दी ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ दी नेचुरल किलर सेल। ओके, इट इज अ सिंड्रोम ऑफ दी इम्यूनो डेफिशिएंसी जहां पर नेचुरल किलर सेल्स एब्सेंट होते हैं। तो क्या होता है, चेडिया पिगासी सिंड्रोम। ओके, इट इज द नेम ऑफ दिस सिंड्रोम। Now, natural killer cells also contains the cytoplasmic granules. अभी देखिए एक mechanism same way T cytotoxic cell की तरह ही है। ठीक है, यहाँ पर भी cytoplasmic granules present होगी जिसके अंदर क्या होगा, perforin and granzyme जो हमारे cytotoxic के lymphocytes में present है वही enzymes इसी granules में भी present होंगे। So, the killing mechanism is the same as the cytotoxic T lymphocyte. ठीक है, ये दोनों की जो किलिंग मैकेनिज्म है वो भी सेम होगी। परफोरिन क्या करेगा, वो जाके होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट होके वहां पर कोर फॉर्म कर देगा परफोरिन। एंड देन ग्रैनजाइम, ग्रैनजाइम का फंक्शन क्या है, वो जाके होस्ट सेल के डीएनए को डिग्रेड करने में हेल्प करता है और इट विल एक्टिवेट दी अपोप्टोटिक पाथवे। ठीक है, सो इस नेचुरल किलर सेल के द्वारा भी किलिंग मैकेनिज्म सेम होगी जैसे कि साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट में होती है। दोनों में डिफरेंस कहां पर आएगा, रिसेप्टर्स में। ठीक है, यहाँ पर कोई भी